प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। जैसे कि आप जान रहे हैं छठ पर्व की कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और लोक आस्था का महान छठ पर्व की तैयारियों को लेकर नहाई खाई से खरना के बाद अब लोग उपस्थित हो चुके हैं बूढ़ी गंडक घाट पे संध्या अर्घ की तैयारियों को लेकर, और धीरे धीरे तमाम छठ पर्व की महिलाएं जल में उतरकर, बूढ़ी गंडक जल में उतरकर भगवान भास्कर का ध्यान दे रही है। चलिए अब ले चलते हैं आपको तमाम छठ घाट की ओर। दर्शकों देख रहे हैं कि संध्या अर्घ का तमाम छठवर्ती महिला भगवान भास्कर को जल में उतरकर अर्घ देती हुई धीरे धीरे शाम ढल रहा है और अर्घ देने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
दिखाई देंगे। महान आस्था का पर्व है, ये महापर्व के रूप में यहाँ पर लोग बिहार में मनाते हैं और बहुत लोगों की आस्था इस पर्व में रहती है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में मनाया तो पूरे देश में जाता है, लेकिन बिहार में लोगों की बहुत आस्था इसमें रहती है। और यहाँ पर हम लोग देखने निगरानी करने के लिए आते हैं, पूरी व्यवस्था को, पूरे इंतजाम को प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। और हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि जिस जो मनोकामनाएं हैं लोगों की वो पूरी हो, बिहार में अमन शांति तरक्की का वातावरण बना रहे, इसकी शुभकामना भी देते हैं इस अवसर पर। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत धार्मिक माहौल बना हुआ है यहाँ पर और हम लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। छठ के इस महान पावन पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और यातायात ट्रैफिकिंग व्यवस्था भी की, ट्रैफिक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि किधर से गाड़ियां, जो बड़ी वाहन है 12 बजे से ही प्रतिबंधित किया गया है, मुख्य बाजार में बड़ी वाहन को आने से रोका गया है कि बड़ी वाहन कल्याणपुर से होकर के पूसा से मुड़ जाएगी, इधर मुसरी खराड़ी से मुड़ जाएगी NH पर ही, और इधर जितवारपुर में मुड़ जाना है बिशनपुर की तरफ से। ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। पार्किंग के लिए जो छोटे वाहन जो वर्ती यहाँ पर आएंगे डाला लेकर के, वो छोटे वाहन मकरदही ये चौक तक आएंगे, यहाँ से मुड़ा करके चीनी मिल पर जाकर के छोटी वाहन का पार्किंग होगा। उधर से आने वाले मथुरापुर की तरफ से आने वाले का बाजार समिति में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इधर जितवारपुर में हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी घाट भी बनाए गए हैं, खतरनाक घाटों को चिन्हित कर लिया गया, खतरनाक घाट पर बैनर वगैरह लगा दिया गया है, वहाँ पर रोका भी गया है कि खतरनाक घाट पर कोई व्रती वहाँ पर अर्घ नहीं अर्पित करेंगे। और जो सामान्य घाट है जिसकी ब्रैकेटिंग की गई है, लाल झंडे लगाए गए हैं, वहाँ पर अर्घ अर्पित करेंगे। नदी में नाव का परिचालन नहीं करेंगे, कोई प्राइवेट नाव का परिचालन नहीं होगा, संध्या के समय से कोई जा करके नदी के अंदर नहीं जाएगा, उसके लिए 144 धारा भी लगाई गई है। कई व्यवस्थाएं की गई हैं, आपदा का जो निर्देश है उसका अनुपालन भी किया जा रहा है।
जाता है, क्या महत्व है छठ का? छठ एक आस्था का पर्व है, जिनको जो है पुत्र नहीं होता है या जो जी भी चीज नहीं होता है वह मांगने पर पूर्ण होता है, इसलिए जो है सो छठ किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? संजय। आज संध्या अर्घ था जो कि अब शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका। अभी हम उपस्थित हैं बूढ़ी गंडक घाट पे और तमाम छठवर्ती महिलाएं बूढ़ी गंडक जल में उतरकर भगवान भास्कर को संध्या अर्घ दी और लोक आस्था का महान छठ पर्व संपन्न हो गई। आज भर के लिए इतना ही, मैं दीपक कुमार, सिटी न्यूज समाचार के लिए।